मित्रों, क्या आप जानते हैं अयोध्या मंदिर में 7,000 राम भक्तों को मिलने वाला है चांदी के सिक्के के साथ प्रसाद। जी हां, आपने सही सुना। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल कुछ ही दिन बाकी है और इसी दिन 7,000 अतिथियों को प्रसाद में मिलने वाला है चांदी का सिक्का, ब्रास की थाली और अंग वस्त्र। ये सभी चीजें प्रसाद के दौरान उनको मिलने वाली है। चांदी के सिक्के के लिए अशोक सिंगल फाउंडेशन से मॉडल मांगे गए। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसी कृपा करना। तो मित्रों, दरअसल चांदी के सिक्कों के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें इस राम मंदिर के स्थापना के दौरान होने वाली है जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। सोना चांदी से मढ़ा 600 किलो का नगाड़ा गुजरात से पहुंचा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में बजाने के लिए 600 किलो का नगाड़ा गुजरात से अयोध्या पहुंच गया है। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत मढ़ी गई है। इसे बनाने में लोहे और तांबे का भी इस्तेमाल हुआ है। इस नगाड़े को हजारों वर्षों की आयु दे जाने का प्रयास किया गया है। नगाड़े को बनाने वाले डगबर समाज के 4 लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में बजाएंगे। 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ेगी एटा के घंटे की आवाज। मित्रों, एटा के कारीगरों द्वारा बनाया गया 2400 किलो का घंटा भी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया है। इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अयोध्या में 14 लाख ऐसे दिए जलाए जाएंगे जिन्हें जलाया नहीं जाएगा परंतु वे रोशनी पाकर जगमग होंगे। मित्रों, इसके अलावा अतिथियों को भेंट की जाएगी श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी जो नींव की खुदाई के दौरान निकाली गई थी। उसे ट्रस्ट एक डिब्बी में पैक कर अतिथियों को भेंट कर देगा। इस समारोह में पहुंच रहे पीएम नरेंद्र मोदी सहित अतिथियों को राम मंदिर व अयोध्या से जुड़ा 15 मीटर का एक चित्र दिखाया जाएगा। यह सब जूट के एक झोले में होगा जिस पर राम मंदिर का चित्र होगा। मित्रों, 22 व 23 जनवरी को बटेगा विशेष लड्डू का प्रसाद। अतिथियों को प्रसाद के रूप में देसी घी से बना 100 ग्राम का विशेष मोतीचूर का लड्डू दिया जाएगा जिस पर चांदी का वर्क लगा होगा। इस लड्डू के लगभग 1.5 लाख पैकेट बनाए जा रहे हैं जिन्हें 22 और 23 जनवरी को भक्तों में वितरित किया जाएगा। राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा और इस महायज्ञ को बड़ा और एक पर्व की तौर पे मनाया जा रहा है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है, इस दौरान सभी देशवासी दिवाली की तरह पर्व मनाएंगे। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्ट्रम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।